खबर जहां पर लोकसभा से तीसरी बार प्रत्याशी बनाए जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन के लिए काशी भव्य स्वागत के लिए तैयार है। पीएम मोदी सड़क मार्ग से सीधे विश्वनाथ मंदिर जाएंगे और वहां पर पूजा अर्चना करेंगे। जिला और महानगर इकाई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए 38 स्वागत प्वाइंट बनाए हैं। पीएम मोदी के दौरे को लेकर संवाददाता आकाश यादव ने जिला मंत्री से खास बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। पीएम मोदी का आज काशी दौरा है और लोकसभा में प्रत्याशी बनाए जाने के बाद ये पहली बार काशी दौरा है। देखिए, जहां से पीएम मोदी जाएंगे मैं ठीक वहीं मौजूद हूं। ये बाबतपुर का रोड है और यहीं से पीएम मोदी देर शाम बाई रोड होते हुए काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करने के लिए जाएंगे। देखिए, उनसे पहले 38 जगह ऐसे चिन्हित किए गए जहां भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं वो स्वागत के लिए लगे हैं। देखिए, ये गिलेट बाजार चौराहा है और किस तरीके से बैनर पोस्टर और झालरों से पूरी तरीके से गिलेट बाजार ये चौराहा पाट दिया गया है। तो स्वागत के लिए भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जोर से जुट गए हैं। हमारे साथ जिला मंत्री खुद शिवानंद राय जी है। शिवानंद जी, क्या क्या तैयारियां हैं और पीएम का काशी में काशी विश्वनाथ दर्शन पूजन के अलावा चुनाव को लेकर भी चर्चा होनी है? काशी के दिल में मोदी, मोदी के दिल में काशी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वाराणसी से प्रत्याशी घोषित होने पर काशी में उनका प्रथम आगमन है। हम सभी कार्यकर्ता माननीय प्रधानमंत्री जी को लोकसभा का यहाँ का तीसरी बार लगातार हैट्रिक उम्मीदवार बनने के लिए कोटि कोटि बधाई देते हैं और यहाँ की जनता और हम सभी कार्यकर्ता अति उत्साहित हैं कि आज अपने पीएम का एक झलक पाने का समय मिलेगा और हम सभी के लिए इससे बड़ा गौरव क्या होगा कि हमारे नेता 2014 से प्रधानमंत्री हैं और विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। और काशी में 38 पॉइंट बनाए गए हैं जहां भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ता 38 पॉइंट पर पीएम का स्वागत करें। ये काशी की देवतुल जनता के लिए और हम सभी कार्यकर्ताओं के लिए अपार सौभाग्य की बात है कि बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में महादेव के सबसे बड़े भक्त जिन्होंने महादेव की नगरी काशी को सजाया, अयोध्या की नगरी राम जी को सजाया, तो एक भगवान स्वरूप ये अवतारी हैं जिन्होंने काशी को, बाबा विश्वनाथ की नगरी को एकदम महादेवमय बना दिया, इसमें कोई संदेह नहीं। स्वागत पीएम का किस तरीके से किया जाएगा आप लोगों के द्वारा? हर चौराहे पर 38 पॉइंट हैं, ढोल नगाड़ों के साथ, फूल मालाओं के बरसात के साथ, शंखनाद के साथ हम लोग स्वागत करेंगे और 38 पॉइंट पर हजारों की संख्या में कार्यकर्ता गुलाब की पंखुड़ियों से माननीय मोदी जी का स्वागत करेंगे। एक प्रश्न और शिवानंद जी, आजमगढ़ सपा का एक अभेद किला माना जाता था लेकिन उपचुनाव में भाजपा ने निरहुआ को प्रत्याशी बना के जीत तो हासिल कर लिया लेकिन इस बार फिर से निरहुआ को वहां से उतारा गया है और पीएम मोदी कल करोड़ों की सौगात देंगे, तो क्या लगता है वो अभेद किला इस बार ढहेगा या फिर ऐसा ना हो कि सपा के पाले में चले? आपको शायद पता होगा कि निरहुआ जी ने जीत के दिया आजमगढ़ की लोकसभा। इतना बड़ा किला ढहाने का काम माननीय मोदी जी ने कमल के फूल ने किया। माननीय दिनेश लाल निरहुआ जी वहाँ के प्रत्याशी हैं और एक बार जीत चुके हैं, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि पूरे भारत में ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि भारत के दिल में मोदी हैं और मोदी के दिल में भारत। क्यों? क्योंकि असंख्य जो अपने जमीनी स्तर के लोग हैं, जो दबे कुचले, अति पिछड़ा, अगर किसी सरकार ने ध्यान दिया तो हमारे मोदी जी की सरकार ने ध्यान दिया। हमारे मोदी जी की सरकार में परिवारवाद नहीं है। रही बात समाजवादी पार्टी के किला की बात, तो उनके चाचा ने किला पहले ढहा था जो दूसरे जगह किनारे लगे, अभी भी उन लोगों में सारे लोग, अभी देखिए राज्यसभा की वोटिंग हो रही थी तो उनको खुद साइकिल पर भरोसा नहीं है कि साइकिल का टायर कहाँ पंचर हो जाएगा, तो सबका विश्वास मत